हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं आज आपको साइड फिट, बेली फिट, हिप फिट और शोल्डर फिट, ये थाइस फिट, एक साथ सारी चीजें कम करने की एक्सरसाइज बता रही हूँ। देखिए, आप अगर इन सबको कर लेंगे तो आपका 15 दिन का चैलेंज है, 15 दिन में आपका वेट कम हो जाएगा, ठीक है, फिट यहाँ से पूरा गल जाएगा। लेकिन आपको कम से कम एक एक मिनट, दो दो मिनट इन चीजों को देना है। जब मैं सेट्स करके बताऊंगी तो 10-10 के आपको 3 सेट्स लगाने हैं, और अगर आप बिगिनर्स हैं तो फिर 10-10 सेट्स करिए। तो बिगिनर्स है तो आपका डबल टाइम कर लीजिए, 1 मंथ में आपका फेट जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अपन ऊपर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन देखिए, दोनों हाथ सामने कर लेंगे, पीछे ले जाएंगे, पीछे वाले हाथ को देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, इस साइड ले जाएंगे, ये ट्विस्ट करेंगे, इसमें कमर ट्विस्ट होगी आपकी पूरी, सर भी पीछे घूमेगा, पीछे वाला हाथ को आप देखेंगे, ये देखिए। अब इसको कर लिया आपने कम से कम 30 टाइम्स, हाफ मिनट से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, और अगर आप करते रहते हैं तो 1 मिनट कीजिए। अब देखिए, कमर को घुमा लीजिए, क्लॉकवाइज घुमाइए, फिर एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए इसको। देखिए, साइड से देख लीजिए, दोनों पांव थोड़े दूर दूर रहेंगे, कमर रखेंगे, कमर पे हाथ रहेगा, ऐसा घुमाना चारों साइड, फ्रंट लेफ्ट बैक राइट, फ्रंट लेफ्ट बैक राइट, बस ऐसे सर्कल घुमाना है, चारों तरफ ले जाना है कमर को। तो ये देखिए, ये हो गया। अब आप इसमें देखिए, ऐसा कर लीजिए, हाथ ऊपर, ऊपर वाले हाथ को देखेंगे, ट्रायंगल पोज, नीचे जाएगा हाथ, फिर ये वाला हाथ नीचे जाएगा, आप जितना नीचे ले जा सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए। ऊपर वाले हाथ को देखेंगे, अब इसके बाद आप देख लीजिए, देखिए, अब आप देख लीजिए, दोनों पांव दूर दूर रखेंगे, ठीक है, ये पांव, ये हाथ इस पैर को टच करेगा और ऊपर वाले हाथ को देखेंगे, ये ऐसे क्रॉस लेग करेंगे, सर के साथ साथ घूमेगा, ये हो गया। अब इसके बाद आप बैठ जाइए, बैठने में आप दोनों हाथ पीछे रख लीजिए, ऐसे, ठीक है, ऐसे रख लीजिए, को दोनों पाँव को उठाना है, देखिए इतना उठा लिया दोनों पाँव को। अब इन्हें 1 बाय 1 करिए, अप डाउन कीजिए, जमीन से नहीं टकराना है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, ये थाइस के लिए, बेली फैट के लिए, कमर के लिए और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देखिए, ये कर लिया आपने, इसको कम से कम आप रुक रुक के 10-10 के 30 सेट्स कीजिए, 3 सेट्स कीजिए 30 टाइम्स। अब ये क्रॉस कर लीजिए, दोनों लेग्स को क्रॉस कर लीजिए, ठीक है, ये क्रॉस हो गया। अब आप थोड़ा सा ऐसे पाँव को रख लीजिए, देखिए दोनों हाथों को ऐसे कर लीजिए, इधर टच कीजिए दोनों हाथों को, ठीक है, अब इस साइड टच कीजिए, देखिए कमर ट्विस्ट हो रही ना पीछे से, बस ये ट्विस्ट अपने को करना है, फिर इधर टच कीजिए, फिर इधर टच कीजिए, ये भी 10-10 के 30 सेट्स कर लीजिए, 15 टाइम्स इधर से, 15 टाइम इधर से, ठीक है। अब ये देखिए, दोनों पाँव को उठा लीजिए, अब ये दोनों मुठिया मान लीजिए, इसमें बैलेंस जरूरी बहुत, देखिए इसमें कहीं भी टच नहीं हो रहा है आपको, ये देखिए, आपको हिप पे बैलेंस बनाना है, तो इस साइड ले जाना दोनों हाथ, फिर इस साइड ले जाना, नीचे टच करने की कोशिश करना है, इधर फिर इस साइड, फिर इस साइड, फिर इस साइड, फिर इधर ले जाना है, फिर इधर ले जाना है, ये हो गया। अब उसके बाद आप कर लीजिए, देखिए दोनों पांव उठा लेंगे, दोनों घुटने अपनी साइड कीजिए, दोनों घुटने चिपके हुए रहेंगे, अपनी साइड लाइए, फिर दूर ले जाइए, फिर अपनी साइड लाइए, फिर बाहर ले जाइए, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड। अब इसके बाद ये भी आप 30 टाइम्स कर लीजिए कम से कम। देखिए, अब इसके बाद आपको करना है बैलेंस, बैलेंस में आपको रुकना है, स्टे करना है इसमें 30 सेकेंड्स, स्टे करना है इसमें। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ एक्सरसाइज आपको बताई है, थाई फैट के लिए, बेली फैट के लिए, साइड फैट कटर जो टायर फैट कहते हैं जिसे, वो कमर के लिए और शोल्डर के लिए, ये सब की मिला के एक पैकेज बना है।
तो फ्रेंड्स से कीजिए आप इससे स्टार्टिंग कीजिए। एक्सरसाइज तो बहुत सारी है, हजारों, देखिए मैं डालती रहूंगी, तो आप इससे स्टार्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।